नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास टेंथ इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आइए आज क्लास टेंथ इतिहास एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइए उत्तर। देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन को यानी ए इंग्लैंड, ऑप्शन खो जर्मनी, इटली, रूस, कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, ऑप्शन नंबर ए सही है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी सही है, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी। समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? शताब्दी यानी समझिए, जैसे कि बोला जाए कि 16वीं शताब्दी, तो समझिए 1500 से लेकर के 1600 बीच के अंदर हुआ, यानी कि 1601, 1602, 1610, 1620, 1650 इस तरह से बीच में होगा, यानी कि एक कम कर दीजिएगा। 16वीं बोला तो आप 15वीं समझिएगा, अगर 17वीं बोल रहा है तो 16वीं समझिएगा, शताब्दी में। तो समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 1700 से 1800 के बीच में हुआ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 18वीं शताब्दी में।
समाजवादी चिंतक सेठ साइन कहाँ का निवासी था? समाजवादी चिंतक सेंट साइन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस। कार्ल मार्क्स का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, लेकिन यहाँ दे दिया है बस्ती का नाम, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल सही है, ट्रेडियर नगर, ट्रेडियर नगर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रेडियर नगर। कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी 1667 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1667 ईस्वी में। निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? निम्न में किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना कब की थी? 1867 ईस्वी में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1775 ईस्वी, ऑप्शन नंबर वो सही है, 1775 ईस्वी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस, ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरिस। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक मई को, ऑप्शन नंबर को सही है। निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर, निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की? निम्न में किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त की? कृषि दास्ता समाप्त की 1861 ईस्वी में। कृषि दास्ता प्रथा समाप्त किया या कृषि दास्ता को समाप्त किया किसने किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त किया कब? 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को सही है। पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? पोलो ने निम्न में किस वर्ष विद्रोह किया? 1863, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत किसने किया था? जार अलेक्जेंडर ने, जार अलेक्जेंडर ने, जार अलेक्जेंडर ने किया था। कब किया था? 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर को सही है। 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा का अंत किया था किसने? जार अलेक्जेंडर ने, कृषक दास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है, रूस का
सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास टेंथ इतिहास का था और यह सभी प्रश्न सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहां तक आए तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।